हाँ जी, आप कौन? नमस्ते मैडम, जो आपके यहाँ सरिता काम करती है ना, मैं उसका पति हूँ। अच्छा, आप सरिता के पति हो, अंदर आइए। आज सरिता नहीं आई काम पे, आइए बैठिए। नहीं मैडम, अब सरिता काम पे नहीं आएगी। क्या मतलब सरिता काम पे नहीं आएगी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नहीं मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब सरिता काम पे नहीं आएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? अगर सैलरी की कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं अगले महीने से बढ़ा दूंगी। नहीं मैडम, सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वजह मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कल से सरिता काम पे नहीं आएगी। क्या वजह नहीं बता सकते हो? अब आप मेरे को खुल के बताओगे कि सरिता काम पे क्यों नहीं आएगी? मैडम आप इतना पूछ रहे हो तो आपको बता देता हूँ, जैसे आप अपने पति को डांटते हो ऐसे ही आपको देख देख कर सरिता भी मुझे डांटने लग गई है, इसलिए सरिता कल से काम पे नहीं आएगी। क्या मुझे देख देख कर? हाँ मैडम, बस यही वजह है जो मैंने सरिता को मना करा है आपके यहाँ काम पर आने से। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं अपने हस्बैंड को कभी नहीं डांटती हूँ और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। डॉली मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा कुरियर आएगा ना वो रख लेना। आप देख नहीं सकते मैं किसी से बात कर रही हूँ? आपकी ना वैसे भी बीच में टांग अड़ाने की ना आदत है, ऑफिस जा रहे तो जाओ, मैं क्या करूँ उसमें। मैडम बस यही वजह है, कल से सरिता काम पे नहीं आएगी।